एवरीवन, वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ अवर चैनल लग्जरी स्टे एंड डाइन, वेयर स्टे डिफाइंस योर ट्रैवल। मेरे पीछे जो केबल ब्रिज है वो काफ़ी पॉपुलर है, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कहाँ पे हूँ। सामने हमारे दुर्गा तालाब भी है। द सिटी इन विच आई एम इज़ करेंटली हैदराबाद, और हैदराबाद बहुत सारी चीज़ों के लिए पॉपुलर है और बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज भी हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज स्कूप आउट की हैं, जिनमें से एक है ITC कोहिनूर। तो इस समय मैं ITC कोहिनूर की बालकनी में हूँ। सो दिस इज़ द जूनियर स्वीट कैटेगरी। अगर मैं इस होटल की पर्टिकुलरली बात करूँ इन रिगार्ड्स टू दिस वीडियो, देन आपको देखने को मिलेंगे जो हमारी जूनियर स्वीट कैटेगरी है विद बालकनी, वो सारी रूम कैटेगरीज के प्राइसेस, डिटेल्स और जो इनके बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट्स हैं जिसकी वजह से ITC काफ़ी चर्चा में भी रहता है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक एंजॉय करिए। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली वी आर इनसाइड दिस ब्यूटीफुल स्वीट। वैसे ये मेन स्वीट नहीं है, दिस इज अ जूनियर स्वीट। एज सून एज यू एंटर, ये जो आपको पैसेज दिख रहा है जो आपको मेनली स्वीट के अंदर ले जा रहा है, इसमें भी कुछ अमेनिटीज हैं। तो पहले उनको एक्सप्लेन करते हुए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू द बेडिंग एरिया एंड एवरीथिंग। यहाँ पे हमारे पास दो बटन्स लगे हुए हैं वैले सर्विस के लिए, वैले रिक्वेस्ट, वैले सर्विस। इन बटन से आप वैले को बुला सकते हो। और कुछ नहीं है यहाँ पे, हमारे पास मेनली ये वार्डरोब एरिया है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे हमारा जो पहला ड्रॉर है इसमें सिर्फ सेफ है, बाकी दोनों के दोनों ड्रॉर्स एम्प्टी हैं, और लगेज के लिए अप्रोप्रिएट स्पेस दिया हुआ है हमको। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप के हैंगर्स हैं, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो हमारा स्कर्ट हैंगर है, आप चाहो तो इस पर कुछ और छोटी मोटी चीज़ें भी हैंग कर सकते हो, बट मेनली स्कर्ट के लिए ही यूज़ होता है अधिकतर ये। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये लग्जरी क्लोथिंग के लिए हैंगर है, आपने मेरे बहुत सारे होटल्स में देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, मुझे काफ़ी पसंद आता है ये वाला हैंगर पर्टिकुलरली। एंड इस पर आप अपना छोटा कोट या फिर कुछ और भी चीज़ें हैंग कर सकते हो, एंड पैंट यहाँ पे हैंग कर सकते हो। तो मेनली यू कैन यूज़ इट फॉर मल्टीपर्पजेज। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास लगेज स्पेस होने के अलावा वार्डरोब है क्योंकि इसलिए, बट उसके अलावा वी हैव एन आयरन एंड आयरन बोर्ड। ये जो कवर्ड आपको दिख रही है इसके अंदर हमारा मिनी बार एरिया है। तो ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर हम चलें तो मेरे पास वाइन के ग्लासेस हैं, फिर हमारे पास विस्की ग्लास है, ये हमारी फ्रेंच प्रेस कॉफ़ी मेकर है, और ये ITC की सब गुरमे कॉफ़ीज़ हैं। दो फ्लेवर्स में हैं इनके पास, यहाँ पे पानागिरी और मेका मलाई। इसके अलावा ये हमारी इलेक्ट्रिक केटल है, और यहाँ पे हमारे पास टी सेक्शन है। ये मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, दो कप्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास स्टर करने के लिए एक स्पून है। इसके अंदर जो मल्टीपल टी ऑप्शंस हैं वो सारे ट्विनिंग्स के हैं, जैसे ट्विनिंग्स की प्योर ग्रीन टी है हमारे पास, ट्विनिंग्स की हमारे पास इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी है, और ये हमारे पास टी ब्लेंड है इन्फ्यूज़र। ये हमारे पास कॉफ़ी के सैशेज़ हैं, शुगर के ऑप्शंस हैं, शुगर फ्री के ऑप्शंस हैं, एंड फाइनली कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क है। तो ये हमारा टी सेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो प्लीज़ इसको एंजॉय करिए। मिनी बार के बाद मैं आपको ये एक एरिया एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सीटिंग एरिया है हमारा, देख के पता लग रहा है। वैसे यहाँ से मुझे टीवी का व्यू उतना अच्छा नहीं लगा, आपको बेड पे ही बैठ के देखनी पड़ेगी, बट स्टिल बाकी सारी चीज़ों के लिए तो ऑब्वियसली इतना अच्छा एरिया, तो उसको एंजॉय करिएगा। यहाँ पे हमारे पास ITC का एक बैग रखा हुआ है, शॉपिंग बैग, और जो हमारा दूसरा वाला ड्रॉअर है इसमें आप अपने हिसाब से चीज़ें प्लेस कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे वैसे एक्स्ट्रा पिलोज होते होंगे, मतलब ये मेरा बस रफ आइडिया है, पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या है, बट चल यहाँ पे भी आप चीज़ें प्लेस कर सकते हो, और चाय वगैरह पीने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए भी आप इसको जो जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा एरिया है, दिस इज़ द सीटिंग स्पेस। यहाँ पे हमारे पास आपको एक महाराजा टाइप की चेयर दिखेगी हमारे राइट में, और ये तो हमारे पास थ्री सीटर सोफ़ा है ही। सीटिंग स्पेस के बाद मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा कि हमारा बेडिंग एरिया है, टीवी भी आपको दिख रहा होगा, और जो हमारा उस नाइट स्टैंड आप उसको कह सकते हैं, वहाँ पे जो टैबलेट और फ़ोन रखा हुआ है।
बट इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पेस का कितना अच्छा यूटिलाइजेशन किया हुआ है। इन डेप्थ अगर एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो दोनों तरफ नाइट स्टैंड है, इस तरफ थोड़ी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि मेन तो है हमारा टैबलेट। मैं आपको बोर नहीं करूँगा इसको फिर से एक्सप्लेन करके, क्योंकि आपने मेरे कई सारे ITC के वीडियोस में देखा होगा। ITC का भी रिसेंटली मैंने रॉयल बंगाल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उससे पहले मैंने आपको ITC गार्डिनिया में भी बताया हुआ है। फंक्शनैलिटीज़ बिल्कुल सेम रहती हैं, बस अच्छी चीज़ ये है कि इनके यहाँ इस टैबलेट के अंदर भी डोर अनलॉक और लॉक का ऑप्शन है विद कैमरा, वो चीज़ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ड्रॉर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर हमारे पास कंसील किए हुए इन्होंने स्विचेस, जैसे कि मूड लाइटिंग हो गया, रीडिंग लाइट हो गया, मास्टर स्विच हो गया, और यहाँ पे आप अपना चार्जर्स वगैरह के लिए भी पोर्ट दिया हुआ, तो आप चार्ज वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। दोनों ड्रॉर्स एम्प्टी हैं, एक वाटर बॉटल रखी है, ग्लास है, और यहाँ पे हमारे पास टेलीफोन है जैसा होता है। अब सेम नाइट स्टैंड यहाँ पे भी है, और पहले ड्रॉर में इन्होंने सेम उसी टाइप से आपको कंट्रोल्स जो हैं वो कंसील करके दिए हुए हैं। लाइटिंग के कंट्रोल्स हैं और एक USB पोर्ट और एक इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट चार्ज वगैरह करने के लिए, और नीचे के दोनों ड्रॉर्स एम्प्टी हैं, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, तो अपने छोटे वैल्यूएबल्स वगैरह वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे भी हमारे पास वाटर बॉटल और ग्लास है। बेड की अगर मैं बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा बेड, ये बड़े मसलंद की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे इतना समझ में भी नहीं आया इसको मैं रखूँगा कहाँ, शायद वो वाला जो ड्रॉर था हमारा लगेज सेक्शन मिनी बार के बगल वाला, उसमें शायद रखने के लिए ही इतना बड़ा ड्रॉर बनाया हुआ है। बट बेडिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी बिकॉज यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है बालकनी का, तो उसका वेट करिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसको भी। और ये हमारी फाइनली टेलीविज़न है, और यहाँ पे स्पेस दी हुई है बैठने की, विच यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। और ये फिक्स टेलीविज़न नहीं है, इसको आप रोटेट कर सकते हो अपने हिसाब से, तो जहाँ पे जैसा व्यू चाहिए वैसा वहाँ पे आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये जो आपको पीछे बंद बंद सा दिख रहा है, ये बंद नहीं है, ये हमारा लैविश ग्रैंड बाथरूम है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये डोर्स ऐसे खुल जाते हैं बाथरूम के, मैं इसको ये पूरा एरिया आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड उससे पहले बट ये वर्क डेस्क है जो बेड के पीछे छुपा हुआ है, तो पहले ये देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है, कैसे आप इसको बेटर वे में यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आई एक्सप्लेन करता हूँ बाथरूम। छुपा से जो मैं आपको वर्क डेस्क एरिया बता देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए लग्जरी जो होती है वो सिर्फ बेडिंग और इंटरनल लाइटिंग उसके लिए नहीं होती है, बहुत सारे बिजनेस प्रॉपर्टी है तो बहुत सारे लोग इसको इस एरिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसका कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे है भी। आप मैं इस चेयर पे बैठ के देख चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, बट मेरे पास कोई ऐसा बिज़नेस का काम नहीं है जो मैं यहाँ पे बैठ के करूँ। पीछे इन्होंने एक पिलो भी लगा रखा है फॉर बेटर बैक सपोर्ट। टेलीफोन है हमारे पास सो देट आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। राइटिंग पैड है हमारे पास, ऑल आउट है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास रीडिंग लाइट के कंट्रोल्स हैं, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास स्विचेस दिए हुए हैं, लैपटॉप वगैरह कुछ भी जो भी आपको यूज़ करना है चार्ज करना है उसके लिए। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, वो भी आजकल जो सिचुएशन चल रही है उससे रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे होटल सर्विसेज के लिए QR कोड्स हैं। ये ड्रॉर एम्प्टी है, इधर वाला ड्रॉर भी एम्प्टी है। बाकी अगर मैं बॉटल्स की बात करूँ तो मैंने ITC के लिए तारीफ करना चाहता हूँ कि ये लोग रीयूजेबल बॉटल्स यूज़ करते हैं। तो मैंने इससे पहले बहुत अच्छे से रॉयल बंगाल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि नेचर कंजर्वेशन के लिए ये लोग क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, जिनमें से एक ये है और काफ़ी अच्छा है। कोट स्टैंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ऊपर इन्होंने एक कोट ब्रश रख रखा हुआ है टू यूज़ इट। बाकी इन्होंने कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं जो कोट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को रखने के लिए। स्पेक्टिकल्स अगर आप आए हुए हैं बाहर से तो वो रख सकते हैं, ब्रोश रख सकते हैं, इसके अलावा कफलिंग्स हो गए वो सब रख सकते हैं, तो बाकी ज्वेलरी के छोटे मोटे आइटम्स हैं वो भी आप रख सकते हो। यहाँ पे आप अपनी पैंट टांग लो और यहाँ पे अपनी कोट टांग लो, सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट लग्जरी में इसकी भी एक जगह है, तो बहुत अच्छा है कि ये भी यहाँ पे रखा हुआ है जूनियर स्वीट। फाइनली टाइम आ गया है ब्यूटीफुल से बाथरूम का। मैंने सारी लाइट्स चला दी हैं बस एक को छोड़ के, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे चलानी है। वैनिटी एरिया से स्टार्ट कर लेते हैं। ड्यूरावेट की फिटिंग्स हैं, टैप तो आपको दिख ही रहा होगा कितना लग्जूरियस है। इसके अलावा टॉयलेटरीज की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास हैंड टॉवल्स हैं, डर्माफीक फॉर यूज इन ITC होटल्स ओनली। बॉडी सीरम है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास डेंटल किट्स हैं। डेंटल किट्स में ये लोग लकड़ी के ब्रशेस देते हैं, तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप चाहो तो इनको अपने यूज़ के लिए रख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोफ है एसेंजा दे विल्स, ग्लासेस दिए हुए हमें, टिश्यू स्टैंड दिया हुआ है, और नीचे हमारे पास टॉवल्स हैं, एंड ऑब्वियसली ये टॉवल बास्केट। इसके अलावा
ये हमारा WC एरिया, ओके। तो ये हमारा शार क्यूबिकल एरिया है, ऊपर हमारे पास रेन शार है, साइड में हमारे पास हैंड शार है, ये हमारे पास टॉयलेटरीज हैं, यहाँ पे हमारे पास हेयर एंड बॉडी शैम्पू है, सोप है और एक कंडीशनर है। ये कंट्रोल्स हैं इसके, और यहाँ पे आप चीज़ें टांग तो नहीं सकते हो, बट यू कैन होल्ड इट इफ़ यू वांट टू। ये हमारा बाथटब एरिया है, इतने ज़्यादा शीशे यहाँ पे लगे हुए हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है व्हेन इट कम्स टू नॉट लुकिंग एट योरसेल्फ। आप किसी भी पोजीशन में आप अपने आप को खुद दिख ही जाओगे, इतने ज़्यादा मिरर्स लगा रखे हैं, जिसकी वजह से लाइटिंग और जो एम्बियंस है उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है, विच मेक्स इट इवन मोर ब्यूटीफुल। बाथटब हमारा एक ऑर्डिनरी बाथटब की तरह, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। टॉयलेटरीज वगैरह आपको दे रखी हैं, शैम्पू एंड अ बॉडी लोशन हियर कंडीशनर के साथ, दोनों के दोनों एसेंशिया दे विल्स के लिए हैं, फॉर यूज़ इन ITC होटल्स ओनली। बहुत बार फॉरेस्ट एसेंशियल की मैंने टॉयलेटरीज होटल्स में रखी देखी हैं, बट उन पर ऐसी कोई पर्टिकुलर ब्रांडिंग नहीं होती कि इसी होटल के लिए है। यहाँ पर हमारे पास हैंड शार दिया हुआ है, और फिल करने के लिए हम ये वाला टैप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास हेयर ड्रायर है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में ये भी। दिस इज़ द बाथरूम, और यहाँ पे आप बैठ के अपने आप जैसा भी जिस भी तरीके से आपको इस स्पेस को यूज़ करना है तो कर सकते हैं। वैसे मुझे थोड़ी सी कंसिस्टेंट लग रही है, ये पूरा ग्लास है पहले तो मैं बता दूँ, बट स्टिल चाहे टावर्स कैटेगरी हो, चाहे ये हमारी जूनियर स्वीट कैटेगरी हो, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप आओ तो बालकनी ज़रूर से ज़रूर लो। पहली चीज़ तो इंडिया के सारे होटल्स में बालकनी होती नहीं, जो अच्छे हैं उनकी बात भी कर रहा हूँ, आपको बंद बंद सा माहौल मिलता है, तो गो फॉर द बालकनी। यहाँ की बालकनी भी बहुत अच्छी है, समझ में आ रहा होगा आपको, बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे माहौल में, इतने अच्छे वेदर में और इतने अच्छे व्यू के साथ चाय को एंजॉय करना। सीटिंग स्पेस अप्रोप्रिएट है, 3 लोगों से ज़्यादा के लिए रूम बुक नहीं हो नहीं सकता है, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी मैक्सिमम, तो 2 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, 1 आदमी यहाँ पे बैठ सकता है। बाकी जो स्मोकर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी आसान हो जाता है, बिकॉज दिस इज़ द बालकनी जो कि आपको वो व्यू भी देती है और वो आराम भी देती है कि आप स्मोक भी कर सकते हो यहाँ पे। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ ITC कोहिनूर। इन द सेकेंड पार्ट वील शो यू ऑल द डिफरेंट एमिनिटीज, रेस्टोरेंट्स लाइक दमपुख्त, ईजिंग एटसेट्रा, प्राइसेस इंक्लूडिंग माई वर्डिक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। So see you in the next episode.